नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूपिका लियाकत है। गूंज में आप सभी को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से रूबरू करवाना है। न्यूज 18 इंडिया आज सुबह से देश की राजधानी दिल्ली में जो डूबता चुल्लू भर पानी में सिस्टम है ना, उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दिल्ली का मास्टर प्लान हाथ में लेकर आए हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी है, छोटा मोटा शहर नहीं है। यहां पूरे देश की 140 करोड़ आबादी के लिए नीतियां निर्धारित होती है। आज की तारीख में भी दिल्ली में 750 से ज्यादा सांसद मौजूद है जब मैं आपसे बात कर रही हूं, यानी देश भर के सबसे ताकतवर नेताओं का जमावड़ा इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं दिल्ली में मौजूद है। क्यों? क्योंकि संसद है। संसद में बहुत मसलों पर चर्चा हो रही है, इस मसले पर भी चर्चा। संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इसी राजधानी में देश के तीन अलग अलग राज्यों से आए यूपीएससी एस्पायरेंट्स बेसमेंट में बारिश के पानी में डूब के मर जाते हैं। जिस दिल्ली में देश भर से चुने गए सांसद रहते हैं, वहां का सिस्टम ऐसा कि तीन बच्चे बेसमेंट में बनी किसी लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त डूब कर मर जाते। ये झकझोरने वाली खबर है कि नहीं, आप मुझे बताइए। इसीलिए संसद से लेकर सड़क तक इस पर हंगामा हो रहा है और होना भी चाहिए। ये नाराजगी सबकी तरफ से आ रही है, लेकिन सियासत भी खूब हो रही है। सुनिए आप, जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्चे जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा लगातार हमारे कोचिंग अध्यक्ष महोदय लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, ये नाराजगी है, ये दुख है और सिस्टम से सवाल है। लेकिन सच्चाई इस हंगामे में कहीं दब गई है, आप समझिए। गूंज में आप जानते हैं सिर्फ तथ्यों की बात होती है, तथ्यों के साथ सच्चाई से आपको रूबरू करवाने का मकसद है। तीन यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, उनकी मौत की असली वजह क्या है, वो भी तथ्यों के साथ ही सामने रखूंगी आज, क्योंकि इस वक्त जो कागज आप मेरे हाथों में देख रहे हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि इन तीनों की मौत के गुनहगार कौन है। बिना कागज के सच को सच माना नहीं जाता, और इसीलिए हमने दिल्ली में हुई इस घटना की असल वजह जानने की कोशिश की। सीधे तौर पर दिख रहा है कि दिल्ली में इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बारिश के पानी का इकट्ठा होना है। और वो क्यों हुआ, क्या वजह है, उस वजह को इस पेपर में दर्ज किया गया है। यह है दिल्ली का मास्टर प्लान, और इसी मास्टर प्लान के पेज नंबर 20 और 21 में साफ लिखा है कि दिल्ली को ड्रेनेज के जो ये पुराने यहां पर मापदंड अपनाए गए उससे बचाना है। दिल्ली का ड्रेनेज दशकों पुराना है, इसकी क्षमता सिर्फ 50 mm बारिश झेलने की है, जो 1976 में तैयार हुआ था। 1976 में दिल्ली की आबादी कितनी थी मुझे बताइए आप, महज 60 लाख। दिल्ली की मौजूदा संख्या क्या है जब मैं आपसे बात कर रही हूं, लगभग 2.5 करोड़। 60 लाख के आबादी के लिए बना ड्रेनेज सिस्टम 2.5 करोड़ की आबादी को कैसे झेल पाएगा, आप मुझे बताइए। 2018 में दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया था, ये रहा मेरे हाथों में, जो अभी भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के पास अटका हुआ है। यानी ये मास्टर प्लान फाइलों तक ही सीमित है, इन पन्नों तक सीमित है। आबादी बढ़ी 400 गुना, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वही का वही है।
फिर जल जमाव नहीं होगा तो क्या होगा बताइए मुझे, और जल जमाव होगा तो हादसे होंगे कि नहीं होंगे? दिल्ली को शर्म से डुलिए, ये है वो अधिकारी, अधिकारियों की लापरवाही जो जान के दुश्मन बने बैठे हैं दिल्ली वालों। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016, वो पन्ने भी हमारे पास है। मॉडल बिल्डिंग बायलॉ 2016 के मुताबिक पहली बेसमेंट सिर्फ सर्विसेज, पार्किंग और उन चीजों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी जिसकी इजाजत पहले से ली गई हो। लेकिन 2021 में बनी राव कोचिंग की बिल्डिंग ने जब एमसीडी से एनओसी ली तब ये बताया गया कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या स्टोरेज के लिए किया जाएगा, लेकिन वहीं लाइब्रेरी को बना दिया गया। जिम्मेदारी यह होती है कि किसी ने अगर गलत जानकारी देकर एनओसी ली है तो उसे दोबारा जाकर चेक किया जाए, और एनओसी को क्या खुली है, एमसीडी ने कार्रवाई की है, जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है, बहुत अंदर ये दोनों इंजीनियर काम करते हैं, उसी का क्या हुआ? दिल्ली में तीन सरकारें हैं, एमसीडी में आम आदमी पार्टी उसकी सत्ता, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सत्ता, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश अब पार्टी ने इस पूरे मामले में कसूरवार भारतीय जनता पार्टी को ठहराया है, और क्यों वो आपको सुनना चाहिए। वीडियो शिकायत के साथ मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनबरासू जी को भेजी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर, आज तक मुख्य सचिव को बोल रहे हैं वो कार्रवाई नहीं, वो कब से कार्रवाई नहीं कर रहे, काम ठेकेदार कर रहे हैं, पेमेंट ठेकेदारों को हो रही है, करोड़ों की ठेकेदारी हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैंने तो एमएचए तक को बता दिया, गृह मंत्रालय को भी लिख के बता दिया कि ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो भी एमएचए ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो भी एमएचए ने जो है इसी मुख्य सचिव को दोबारा से 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, तो सब मिले हुए। अब बीजेपी कह रही है कि एमसीडी पर आम आदमी पार्टी काबिज है, तो जिम्मेदारी उसकी है कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। अब ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है ना, हकीकत आपको हमने बता दी है, और सवाल भी इसीलिए आज पूछने बहुत जरूरी है। और सवाल क्या पूछने हैं? सवाल ये पूछने हैं कि ड्रेनेज सिस्टम प्लान 6 साल से फाइल में क्यों कैद है? Why? What is the reason? क्या वजह है? दूसरा सवाल ये कि बिल्डिंग बायलॉज को लागू क्यों नहीं करवाया जा रहा है? कौन रोक रहा है बायलॉज को लागू करवाने? और तीसरा सवाल ये कि कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही कौन तय करेगा? मतलब बच्चों को आप लाइब्रेरी के नाम पर वहां बेसमेंट में जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाए तो उससे निपटने के कोई इंतजाम भी नहीं है, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इस पर जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरू करेंगे गूंज। मतलब बच्चों ने क्या क्या सपने देखे होंगे, उनके माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे होंगे, लेकिन इस डूबते सपने ने अगर किसी को आज की तारीख में एक्सपोज किया है, नंगा किया है, तो वो है यहां का सिस्टम और अधिकारियों की लापरवाही। सारे खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस बहस में हिस्सा लेने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त आपको स्क्रीन पर आरपी सिंह साहब नजर आ रहे हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आकाशदीप मुनि भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं हमारे साथ जो आकाशदीप मुनि हैं, आपको इस वक्त तहसीन पुनावाला भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी का तहसीन, आकाश मुनि, आरपी सिंह साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे पहले आकाश जी आपसे, भाई सिस्टम जिसका, जवाबदेही उसकी, जिम्मेदारी उसकी, क्यों भाग रहे हैं जिम्मेदारी से आप? ये सही बात आपने कही रूबिका जी, सिस्टम जिसका, जवाबदेही उसकी,
और आज मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि सिस्टम कैसे काम करती है दिल्ली में। 8 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में रही है और 8 साल फाइट करने के बाद 8 साल लड़ती रही सुप्रीम कोर्ट में कि सर्विसेज उनके अंडर ले आया जाए, और फाइनली 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सर्विसेज उनके अंडर आ गया है। और 8 दिन के बाद उस जजमेंट के भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को उनसे छीन लिया और नलीफाई कर दिया, मतलब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे मिनिस्टर को। मिनिस्टर, आप एक वीडियो आपने देखा होगा जहां पे सौरभ भारद्वाज अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि नहीं, कि आप टाइम दीजिए कि कब जल भराव का जो ग्रास रूट पे आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे लोगों के घर में जल भराव हो रहा है, कैसे डील सिल्टिंग नहीं हो रही है, कैसे डील सिल्टिंग में करप्शन हो रहा है, ये मैं दिखाना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, 1 साल तक वेट करते हैं और सौरभ भारद्वाज जाके ड्रेन ड्रेन घूम घूम के वीडियो इकट्ठा करते हैं और वीडियो दिखाते हैं अपने सेक्रेटरी को अमरासू जी को, और अमरासू जी उस पे 1 साल तक कोई। सौरभ भारद्वाज आपको याद आ रहे हैं, दुर्गेश पाठक क्यों नहीं याद आ रहे हैं? ये इलाका किसके अंडर में आता है, एमसीडी किसके अंडर में है? आप मुझे ये लो वो लो आज मत समझाइए ना, मुझे सीधा सीधा ये बताइए इन 3 बच्चों की मौत का, हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे थे एमसीडी हमें जिता दीजिए, हम सब जो है बदल कर रख देंगे, सिस्टम बदलने आए थे ना आप लोग। सुनिए तो सही, नरेश कुमार जो सेक्रेटरी है उनके खिलाफ 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रजिस्टर किया था कि ना कि उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस रजिस्टर किए थे, चीफ मिनिस्टर ने भी करप्शन के चार्जेस रजिस्टर किए थे। पर बहुत दुखद है ये कि दिल्ली में एक पियोन तक को चीफ मिनिस्टर निकाल नहीं सकता, ना ही ट्रांसफर कर सकता, ये एलजी के हाथों में। अरे ये और पावर पावर कब तक चिल्लाते रहेंगे आप लोग, थोड़ा शर्म कर लीजिए आकाश जी, थोड़ा शर्म कर दीजिए। कितना पावर, 10 साल तक आपको पावर में रखा है यहाँ की जनता ने, देश की एमसीडी भी अब आपको दे दी है, अब कितना आपको चाहिए पावर? एक नाली तक तो साफ नहीं कर पाते हैं, एक जल भराव तो आप लोग खोल नहीं पाते हैं, पावर दे दो दुनिया भर का आपको। इतना चिल्लाना चाहती आप चीख चिल्ला सकती है? मैं चीख नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपको तथ्यों से रूबरू करवा रही हूँ, बस इनको चाहिए। अरे कब तक आप इसी तरीके से पावर की भीख मांगते रहेंगे? 3 बच्चों की मौत हो गई है, अब तो थोड़ा शर्म कर लीजिए, अब तो थोड़ा शर्म कर लीजिए। हम इसे नहीं निकाल सकते, हम उसे नहीं निकाल सकते, हम इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम उसकी पोस्टिंग नहीं कर सकते। अरे पानी पानी तो निकाल सकते हैं नाली से, पानी तो निकाल सकते हैं, अधिकारियों को निकालने का ये जो खेल है बाद में कीजिएगा, नाली में से पानी तो निकाल सकते हैं। ये किसका है, ये किसका जिम्मा है, ये बताइए, ये जिम्मा है। आप शर्म की सारी पराकाष्ठा दूर कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। इस दिन आप सुनना चाहेंगे ना? अरे हमें नहीं सुनना है, ये 3 मौतों के बाद आपको लगता है यहाँ बैठ के सुनेंगे? कभी शराब घोटाला कर रहे हैं, कभी किसी तरह का घोटाला कर रहे हैं, ना सड़कें साफ कर पा रहे हैं, ना कचरा साफ कर पा रहे हैं, सारा सिस्टम भाई हमको दे दो, सारी पावर हमको दे दो, हमें दे दो, हम तो आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमी का ख्याल रखने वाले लोग हैं, आम आदमी को राजा बना देंगे। हालत देख लीजिए आप, 10 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी खुद बन गई है, उरूज पर पहुंच गई है, स्टेडियम जा जाके फोटो खिंचवा रहे हैं आपके तमाम बड़े नेता, कोई जेल में है और आप कह रहे हैं दिल्ली चलाएंगे, देश की राजधानी ऐसे चलाएंगे आप? नर्वस क्यों हैं आरपी सिंह साहब? शर्म आती है, कब से सुन रही हूँ, पहले बोलने का मौका दिया और यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं? हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें तो ये चाहिए पावर, हमें तो ये चाहिए। अरे कितना पावर चाहिए? देने के लिए नहीं, आपको जनता को सेवा करने के लिए बिठाया सिस्टम में। आरपी सिंह साहब आवाज बंद कीजिए इनकी, आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि अभी अभी छोटी सी ये बात याद दिलानी है आप सिंह साहब, बाकी तो आपके पास था सबसे ज्यादा करप्शन आपके टाइम पर। मुझे जी 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 मैं इनकी सारी बात मान लेता हूँ, मुझे एक छोटी सी बात बता दी, मैं आपको एक नारा दे रहा हूँ वो याद कर लीजिएगा, अभी दुर्गेश पाठक जब चुनाव में गए थे तब नारा था, जिसकी सरकार उसी का विधायक। ये तो ये ऐंठ कर गए थे कि हमारी सरकार हमारा विधायक जो हम सब ठीक करेंगे, ये इनका नारा था अभी। और आप वो सीन चला दीजिए ना, जब असेंबली में खड़े होकर केजरीवाल साहब छाती पीट पर कर रहे थे मैं दिल्ली का मालिक हूँ,
हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली चलाएंगे, हम दिल्ली के अंदर सब कुछ तय करेंगे। छाछी पीट कर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। रूबी का फर्क सिर्फ इतना ही है, ये दिल्ली के मालिक बन बैठे, भ्रष्टाचार करेंगे मालिक बनकर, दिल्ली की चिंता नहीं करेंगे मालिक बनकर। दिल्ली में 731 नाले हैं, 731 नालों की सफाई का ठेका दिया गया। इनके मेरे पास आरटीआई की कॉपी है जिसमें ये बड़ा स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर 150 नाले की सफाई हुई, वो भी शायद हुई नहीं हुई, पता नहीं कितनी हुई। ये जहां हादसा हुआ मैं वहीं का विधायक रहा हूं, वहां पर हर साल पिछले 6 साल से जलभराव होता है, हम लगातार निरंतर विधायक को कहते आए रहे। दुर्गेश पाटी जी को, उससे पहले राघव चड्ढा जी को कहते थे कि यहाँ पे जलभराव होता है, चिंता करिए। इसलिए नहीं सर, राजनीति नहीं, मैं राजनीति आज चाहती नहीं। मुझे आप ये बताइए कि कब से एमसीडी में आप लोग हैं, इस बार नहीं थे ना, उससे 1 साल पहले आपकी सत्ता गई है ना? अब मुझे ये बताइए जो जल भराव है ये क्या साल भर में हुआ है? ये जो बेसमेंट बना है ये क्या अभी अभी बना है? नहीं आरपी सिंह साहब, पहले मेरे तमाम सवाल। ये अधिकारी, इनकी मर्जी आती है तो एनओसी दे देते हैं, इनकी मर्जी आती है सूट के सुटा कर चले जाते हैं। मेरे पास कोई नाम नहीं है, मेरे पास कोई इस मसले पे प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के नक्शे को बदहाल किया गया है और दिल्ली के ये जो बिल्डिंग बायलॉज है इसको लागू नहीं किया जा रहा है, एक ही चीज समझ में आ रही है, इन बाबुओं का इलाज आप लोग क्यों नहीं कर पाए? रूबिका अब मुझे आधा मिनट जरा सुन लीजिएगा। इसी सड़क पर जहां पर ये हादसा हुआ है, एक कोने में राव की इंस्टीट्यूट, आईएएस की इंस्टीट्यूट है, उसी कोने में मैं दूसरा एड्रेस दे रहा हूं, 4A/57। आपकी हिम्मत हो अपने कैमरामैन को भेजिए, उस बिल्डिंग में जाकर पूछिए कि बिल्डिंग अभी बन रही है, उसका नक्शा किसी ने पास किया, किसी से पास कराया, या बिना बिल्डिंग का नक्शा पास किए हुए नक्शा बिल्डिंग बन रही है। ये लूट मची है दिल्ली के अंदर, जब से इनके पास सत्ता आई है लूट मची है, कुछ चेक है नहीं। जो मैं कह रहा था आपने मेरी बात उससे आगे बढ़ा दी कि जल भराव की स्थिति, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। 2021 में उस बिल्डिंग को एनओसी मिली थी, 2021 में कौन था एमसीडी में, मुझे ये बताइए कौन था एमसीडी में? माला जी एनओसी मिली, कैसे मिल गई एनओसी? सुनिए ना, एनओसी मिली और मिल गई एनओसी तो वहां जाकर जांच क्यों नहीं की गई अधिकारियों की तरफ से? सिंह साहब, रूबिका ये तो चेक करो उस बिल्डिंग, मैं कह रहा हूं मैं वहां रहता हूं, वहां का निवासी हूं, मुझे एक एक बिल्डिंग का एक एक पत्ते की जानकारी है। उस बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी इस साल खुली है, ये चेक करा लीजिए। आकाश मुनि जवाब दीजिए, पिछले 8 महीने पहले वहां लाइब्रेरी खुली गई है, एक एक बिल्डिंग जानते हैं आरपी सिंह साहब, दोनों स्क्रीन पर आरपी सिंह साहब कह रहे हैं ये लाइब्रेरी तो इस साल खुली है जब आपके हाथ में आ गई है एमसीडी। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन पे, एनडीएमसी ने उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को एनओसी दिया था, और इस साल एनडीएमसी के चेयर सिंह साहब बता रहे थे इस साल एमसीडी है आम आदमी पार्टी के पास, पर एनडीएमसी के चेयरपर्सन कौन है सिंह साहब? एनडीएमसी के चेयरपर्सन है नरेश कुमार जी, जिनके अगेंस्ट में बतेरे करप्शन के केसेस है। अरे आप जिनके अभी ये रूबिका ये एमसीडी है, एनडीएमसी नहीं है। अरे कुछ बावजूद करप्शन में घबराइए मत, करप्शन के एमसीडी है, नॉर्थ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, ये एनडीएमसी न्यूज नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक सेकंड, ओ आकाशदीप मुनि, एक सेकंड आकाशदीप मुनि, ज्ञान का दीप साथ में लेकर चलिए और अपने आकाश को थोड़ा और बढ़ाइए। आकाशदीप मुनि, दिस इज नॉट एनडीएमसी, ये एमसीडी का मामला है, इन दोनों में फर्क है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है रूबिका, एरिया दोनों का अलग अलग है। अच्छा लगा आपको पर्सनल अटैक करते हुए, अब मैं आपको क्या पर्सनल अटैक किया? मैंने कहा बस ज्ञान का दीप अपना जला दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है?
अच्छी बात कही है ना, चाहती हो तो मुझे बुलाए करो, नहीं सुनना चाहती ना मुझे मत। अरे भाई मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना, एनडीएमसी और एमसीडी में फर्क बताइए मुझे, चलिए बताइए। यार जब सुनना चाहती हो ना मुझे बुला दिया करना, यार बार मेरे साथ मत कीजिए समझे, यार बार मेरे साथ नहीं। आकाश आकाशदीप जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, एनडीएमसी और एमसीडी में फर्क बताइए मुझे। मैं अभी सिर्फ जवाब दूंगा, एनडीएमसी और एमसीडी का फर्क बताइए। नहीं सुनना चाहती हो तो मुझे, एनडीएमसी और एमसीडी का फर्क बताइए मुझे। मैं अभी आपको दो तीन फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, सुनिए अगर आप सुनना चाहती हो तो, अगर अदरवाइज डू लेट मी नो। जून 2024 में पर्टिकुलर अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने चार वीडियो दिखाए थे मीटिंग में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को, अमरासू जी को। उन्होंने बोला कि एक साल पहले यही वीडियोज उन्होंने भेजे थे, और वो वीडियोज भेजने के बावजूद भी एक साल तक पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन किया एलजी को, पर एलजी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ना कि ड्रेन्स को खुद रिक्वेस्ट किया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को और नरेश कुमार को जो स्टेट सेक्रेटरी है, उनको बोला कि ना कि आप चलिए मेरे साथ, मैं देखना दिखाना चाहता हूँ कि ना कि कैसे ड्रेनेज में डीसिल्टिंग की काम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी भरा। पर वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। पहली बार ऐसा देखा गया कि ना कि ऑन रिकॉर्ड एक मिनिस्टर को चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है कि मैं नहीं चाहूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मिनिस्टर बोल रहा है कि मेरे पास टाइम है, पर उनके पास टाइम नहीं है। ये दिखाता है कि नहीं कैसे एलजी साहब ने उनको शायद आप ये कह रहे हैं कि सरकार, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास चूंकि वो पावर नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी उनका सुनता नहीं है। तहसीन पुनावाला, यू टेल मी सर, जी कौन जिम्मेदार? आज की तारीख में लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं सर। जी रूबिका जी, तो बहुत दुख होता है कि मासूम लोगों की इस तरह से हत्या हो गई। ये हत्या का केस है रूबिका जी। Absolutely. और आपके चैनल पर और आप एक पत्रकार के रूप में आप सही मुद्दा उठा रहे हो। ये सोचिए उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी, आप भी एक माँ है, मैं भी एक पिताजी हूँ, क्या बीतती होगी उन माँ बाप के जिनके बच्चे वहाँ पे सपने लेकर आए दिल्ली और उनकी इस तरह से हत्या हो गई। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली कि 2021 में बिल्डिंग पास हुई थी एनओसी, आर्किटेक्ट अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर बिल्डिंग पास हुई है तो एनओसी के लिए आर्किटेक्ट की सिग्नेचर चाहिए, आर्किटेक्ट की सिग्नेचर के साथ वो एमसीडी अधिकारी की भी सिग्नेचर आती है, वो रूल है, और जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर उसकी सिग्नेचर आती है, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए दोनों? क्योंकि उसके बिना एनओसी पास नहीं हो सकती। आर्किटेक्ट और असिस्टेंट कमिश्नर क्यों अरेस्ट नहीं हुए? क्योंकि आप उनको बचा रहे। दूसरी चीज़, अगर जैसे सिंह साहब कह रहे कि लाइब्रेरी इस साल बनी है, तो वहाँ के जो लोकल अधिकारी है उन्होंने क्या किया? उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी? अगर आम आदमी पार्टी के पास ये पावर नहीं है किसी का तबादला करे, किसी का ट्रांसफर करे, तो जो लोकल अफसर है उनकी अरेस्ट क्यों नहीं, अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाए? अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी अगर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, अगर आप मिनिस्टर हो, अगर आप चीफ मिनिस्टर हो, अगर आप एमएलए हो वहाँ से, और आपके पास आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुनते, तो रिजाइन कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप पावर क्यों बैठे हो जबरदस्ती गद्दी के ऊपर? आप इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको भी सत्ता चाहिए। जो होता है आप कह देते हैं ब्यूरोक्रेट्स हमारी बात नहीं सुनते, बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न किया गया था, इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट की भी, मैं सर झुकाता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये हत्या की जिम्मेदार हमारे कोर्ट्स भी है। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सालों साल बैठते, सुप्रीम कोर्ट बेल पर बैठ जाती है, सुप्रीम कोर्ट का काम बेल देना नहीं है, लोअर कोर्ट का काम है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जो बेल चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न किया गया, अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, सालों साल सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे बैठती, तो क्या होगा? ये सब इनकी जिम्मेदार है इन मृत्यु की। हम शीला जी को याद करें ना करें, राजीव जी को करें, वाजपेयी जी को करें, मोदी जी को करें, सवाल है कि तीन निर्दोष लोगों की जान गई है, उनकी हत्या हुई है, और कौन इसका जिम्मेदार कौन है? प्राइम मिनिस्टर जवाब बोल रहे, जवाब जो है जवाब इसका मिलना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन जी आपको क्या लगता है? ये तो ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी की जो गेंद है कभी उस पाले में कभी इस पाले में, कभी इधर कभी उधर। रूबिका जी मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना कोई भ्रम की स्थिति है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपने भी शुरू किया तो सारी सरकारें और कब इसको मिला क्या मिला वो सारी बात आपने भी की, तहसीन भाई भी कर रहे हैं, और आकाश दीप तो मान लीजिए करना ही चाहिए उनको। एक लाइन की बात, जिस सरकार को करोड़ों का बंगला बनवाने में कोई सचिव नहीं रोकता है, उस सरकार को नाला साफ कराने के लिए सब रोकने लगे। बहुत खूब। जिस सरकार को दुनिया का प्रोपेगेंडा करने में
हर दूसरे चौथे विज्ञापन निकालकर 100 मीटर की खड़ंजा कंक्रीट हो जाती है, उस पे तिरंगा लहराते अरविंद केजरीवाल बड़ा कमाल का काम कर दिया, कोई नहीं रोकता। मोहल्ला क्लिनिक जब वो चलाते हैं तो कोई नहीं रोकता, लेकिन जैसे ही कुछ जाता है तो सौरभ भारद्वाज जैसे लोग ड्रामा करते हैं, आतिशी जैसे लोग ड्रामा करते हैं और लीक करते हैं वीडियो और बताते हैं कि देखिए हमारी कोई सुनी नहीं रहा है, उसकी स्माइल देखिए, उसकी मुस्कुराहट देखिए। अब उन परिवारों को तो जीवन में कभी उन बच्चों की मुस्कुराहट देखने को नहीं मिलेगी। तंज में करें, खुशी में करें, बड़ा आनंद लें परिवार के साथ, नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि एक सरकार है जिसको फर्जीवाड़े के अलावा कुछ सूझता नहीं, ये पूरा मसला। और मैं तो उसके बाद देख रहा हूं, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अब पुलिस भी कमाल कर रही, पुलिस उस जीप वाले को पकड़ ले गई। बताइए जरा, वो गाड़ी चला रहा था, बारिश में हर कोई तेज ही जाता है भाई, पता नहीं कहां गड्ढा हो, निपट जाएं आप तो तेज ही में जाता है, कहीं साइलेंसर में पानी चला गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी। कहा गया उसके जाने से पानी का इतना दबाव हो गया कि अंदर पानी भर गया। एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार के अलावा और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद सीखचो के पीछे हैं, उनकी सरकार के लोग कोई काम नहीं करते हैं, एक बहाना उन्होंने, और अगर कुछ करने नहीं दिया जा रहा है तो एक दिन गांधी जी के सामने जाएं सब लोग, त्यागपत्र दें और कहें कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाएगा तब तक हम सरकार नहीं चलाएंगे। तब तो कहते थे कि हमें बस नीचे वाली दिल्ली में दे दो, एमसीडी में दे दो, हम करके दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा केजरीवाल की सरकार का है। और आपको याद होगा जब उन्होंने कहा, तो उस दिन भी मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा जेल से जनतंत्र चलाएंगे, जेल से जनतंत्र चला रहे हैं और बच्चे बाहर मर रहे हैं, उनकी जान जा रही, शर्मनाक है, करंट लग जाता है, पानी में डूब जाते हैं, दुनिया भर के धतकर्म हो रहे हैं। और ये कोई गांव खेड़े की बात नहीं है सर, ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। हाँ, मतलब सबसे पावरफुल सिटी जिसे कहते हैं, सबसे पावरफुल राज्य जिसे कह रहे हैं, वहां पर हो रहा है। तहसीन पुनावाला, आप अपनी बात रखिए, बस मैं दर्शकों को बता दूं कि साइड में जो तस्वीरें चल रही हैं, वो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना अपने साथियों को खोने के बाद, कि हमारे फ्यूचर के मुस्तकबिल की किसी को पड़ी है कि नहीं पड़ी है, वहीं पर एक बच्चा, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, अभिभावक परेशान है, बच्चे खुद परेशान है, पढ़ाई करें कि जिंदगी और मौत के इस झूले में झूले, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। तहसीन, बात तो एकदम सही है जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कही, एकदम कोई लाग लपेट नहीं, सीधे सब बढ़िया बढ़िया, तो हमको दे दो, हमारे सीने पर तमगा लगा दो, नहीं तो हाय हमें तो कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है, करोड़ों के घर बन रहे, करोड़ के घर क्या कमोड बन रहे, टॉयलेट, आपके दर्शकों को बता दे करोड़ों रुपए के टॉयलेट आ रहे, आपने कभी देखा है 12-15 लाख का टॉयलेट, 12-15 लाख का टॉयलेट आ रहा है, उसमें मग्गा कितने का होगा किसी को क्या पता, वो पर्दे लाखों रुपए के आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता लोगों की जान जा रही है। लेकिन मेन बात ये, जो हर्षवर्धन जी ने कहा, जो व्यक्ति गाड़ी चलाता, रूबिका जी कोई भी गाड़ी चला सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, मेरी गाड़ी हो सकती है, उसको अरेस्ट कर रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर बेसमेंट बन रहा है तो एमसीडी के रूल्स में लिखा गया है कि आर्किटेक्ट को एफिडेविट देना पड़ता है और बिल्डिंग के मालिक को बेसमेंट किस लिए बन रहा है, अगर वो एफिडेविट नहीं गया वहां पर। मैं एक बात आपको समझा दूं, मतलब मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं और आपने एक बिल्डिंग बनाई है और वो बिल्डिंग उसके बाद आपने सपोर्ट कर दी हर्षवर्धन जी को, वो मालिक है उस बिल्डिंग के। अब हर्षवर्धन जी ने आपको कहा कि मुझे तो नीचे बेसमेंट में स्टोरेज बनाना है, लेकिन स्टोरेज की जगह उन्होंने खोल दी लाइब्रेरी, तो उसमें आर्किटेक्ट क्या करेगा? मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। आप समझ रहे हैं भाई, उसने पेपर में सब कुछ सच कहा था, अब आपने उस बेसमेंट वाली जगह को एक साल बाद आपने उसे लाइब्रेरी बना दिया। हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे, 30 सेकंड फिर ओके। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, इसी के लिए तो एजेंसी है ना एमसीडी के पास, इसी के लिए दस्ता होता है कि आप हर महीने, दो महीने, चार महीने में चेक करें। और ये तो हजारों बच्चे जा रहे हैं वहाँ, प्रतिदिन जा रहे हैं, ये कोई छिपा के थोड़ी ना हो सकता है कि एक कमरे में कुछ अवैध काम चल रहा था, कुछ ताला बंद करके हो रहा था, ये थोड़ी ना हो रहा था। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं, वो जो कर रहे हैं रूबिका जी, मैं बता देता हूं, दोना काम कर रहे हैं। रूबिका जी मैं हर्षवर्धन, एक लाइन फिर आकेश, देखिए एमसीडी का एक कर्तव्य है, उनके रूल्स में लिखा हुआ है कि जहां पर बिल्डिंग्स है हर महीने उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, खास करते मानसून के अंदर। अगर इंस्पेक्शन नहीं हुई और एफिडेविट पे कुछ और लिखा है, तो जो अधिकारी है, जो एडिशनल कमिश्नर है वहां का, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इंस्पेक्शन कब हुई? उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, क्यों इंस्पेक्शन हो रहा? मैं आपको बता रहा हूं, 10 सेकंड एक सेकंड, ये सिर्फ सवाल हो जाएंगे, जवाब नहीं ले पाएंगे, मुझे जवाब भी चाहिए। आकाश मुनि जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी,
सिंपल सी चीज है, पूरे दिल्ली में 80% जो जलभराव होता है वो सीवर के भर जाने पे होता है। यहाँ पे भी सेम केस हुआ है, ड्रेन्स में मेनली साफ नहीं होता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट सीवर पे जलभराव में होता है। तो सीवर जलभराव के लिए मेनली मैनुअल लेबर लगता है। ये पर्टिकुलर मीटिंग में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दोनों थे वहाँ पे, दोनों ने कहा कि हमें मैनुअल लेबर चाहिए, जल बोर्ड को मैनुअल लेबर चाहिए ताकि ना कि वो जलभराव की सिचुएशन ना रहे। ये आज का मामला नहीं है, एक साल से ये मामला चल रहा है, पर इस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है सेक्रेटरीज के द्वारा। और सेक्रेटरीज के द्वारा जब एक्शन ही लिया जा रहा है तो लेटर आफ्टर लेटर, इवन सौरभ भारद्वाज ने तो होम मिनिस्टर तक को लिखा है, पर उसके बावजूद भी उनके पास वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो करे तो करे क्या, यहाँ पे उन्होंने कोर्ट पे भी गए नहीं, तो फिर आप आखिरी लाइन मान लीजिए ना, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं आकाश जी कि वो करे तो करे क्या, तो आप गांधी जी की मूर्ति के सामने जाइए, आप लोग तो विशेषज्ञ हैं, और वहां पर त्याग पत्र सौंप दीजिए ना कि हम करे तो करे क्या, हमसे ना हो पा रहा, इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। क्या आप हर्षवर्धन जी जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या उनको ये नहीं बोल सकते ना कि क्यों उन्होंने सर्विसेज बिल को ओवरटर्न किया और सर्विसेज एलजी के अंतर्गत ले आया? अगर एलजी के पास पावर्स है सर्विसेज में तो एलजी क्यों नहीं एक्शन ले रहे नरेश कुमार के अगेंस्ट में, एलजी अमराशु जी के अगेंस्ट में क्यों नहीं एक्शन ले रहे जब चीफ मिनिस्टर तक ने लिख लिया? नॉर्मल यही तो होता है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो प्रेसिडेंट वही एक्शन फॉरवर्ड करते हैं। आप पर आरोप भी लगा दिया, सत्ता भी है लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो खत लिखते रहते हैं, खत का कोई जवाब नहीं मिलता, कोई एक्शन नहीं होता है। देखिए, आम आदमी पार्टी उसके समर्थक बेहयाई की इंतहा करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। तीन बच्चों की जान एक साथ गई, उससे पहले करंट लग के बच्चा मर गया, शर्म नहीं आती। और जो सबसे खतरनाक बात है कि इस बेहयाई को इन्होंने आभूषण बनाकर उसको क्रांतिकारी बना दिया है, कतई शर्म नहीं आ रही इनको। जितनी एजेंसी है एक भी एजेंसी केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती। चीफ सेक्रेटरी से आपकी लड़ाई वो अलग इशू हो सकता है, और सेवा के मामले में अगर वो जिसको कहते हैं कि अध्यादेश लेकर गया तो आप कह दीजिए ना कि हमें सरकार चलाने के लिए नहीं है। इसी सरकार को दूसरे मुख्यमंत्रियों ने ढंग से चलाया, ये मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रति बेईमानी कर रहा है, इसको पहले दिन से काम नहीं कर रहा था। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर आए 4.5 साल के बाद उनकी हेडलाइन थी, मैं वो हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, वो हेडलाइन का मतलब ये है कि हमने 4.5 साल राजनीति की लेकिन अब अगली बार हम नहीं करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल का बयान था। और आज जितने तरह के काम होते हैं वो सब हो जाते, जैसे ही कुछ फंसता है कुछ सर पे आता है ये लोग तुरंत आ जाते हैं। बताइए ना कौन से नाले की आकाश जी आप जवाब दे उससे पहले आरपी सिंह साहब है क्या? और बच्चों की जान जाती रही उसके बाद आरपी सिंह साहब प्रोसीजरल प्रोसेस में फंस गए। ये मामला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि भाई हम चीफ सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता, फला सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता, ये बाबू हमारी नहीं सुनते, हम क्या करें भाई, हम तो लाचार हैं, हम तो मजबूर हैं, हम सिर्फ खत ही लिख सकते हैं। दीपिका, जब 46 करोड़ का अभी बताया गया सीपीएल बना तब तो किसी से कोई परमिशन नहीं मांगी, तब तो बना दिया अपना 46 करोड़ का शीश में, वो छोड़िए। जब शराब का घोटाला करना था और पॉलिसी में ट्विकिंग करनी थी, जब कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करनी थी, जब दिल्ली में एक के साथ एक बोतल शराब की परोसनी थी, तब तो किसी से पॉलिसी की बात नहीं की गई, तब तो हमने कर ली, हमारी मर्जी थी। सर में क्या है कि जब अभी हर्षवर्धन जी बताया करोड़ों रुपए के जब विज्ञापन दिए जाते हैं तब तो किसी से नहीं पूछा जाता कि हमने करोड़ों रुपए का विज्ञापन देना है, किससे पूछना किससे नहीं पूछना। असल में क्या है कि इनको काम करने की आदत नहीं, काम करने का सलीका नहीं, काम करने का तरीका नहीं। और जो कहा अगर नहीं बस का तो आप इस्तीफा दीजिए, जाइए ना किसी और को काम करने दीजिए, या आप फिर वापस सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये जो झूठ बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात को उन्होंने पलटा, भारत सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में बड़ा स्पष्टता से लिखा था कि अगर भारत सरकार चाहे तो इसमें कोई अल्टरेशन कर सकती है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्य करते हुए दिल्ली के हित में वो अल्टरेशन किए, ताकि ये जो शराब घोटाले जैसे घोटाले कर रहे थे, दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ मुनाफे की कंपनी थी जब शीला दीक्षित छोड़कर गई,
आज 76,000 करोड़ रुपए घोटाले की घाटे की कंपनी है, बताइए कैसे हो गया वो 700 करोड़ 76,000 करोड़ रुपए के आप समझ रहे हैं कैसे हो गई? ये आपके तहसीन पुनावाला उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो इंडिया गठबंधन में मजबूत पार्टी है, आप भी उसके साथ है, लेकिन इसमें आपका समर्थन नहीं कर पा रहे, किस किस मुंह से समर्थन आज होगा? मुझे कुछ बस आज दिल्ली के लोग जानते हैं कि ना कि किसको समर्थन करना है, और दिल्ली के लोग समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं इतने बेशरम हो गए हैं कि वो सच से भी मुंह मोड़ना चाहते हैं। नरेश कुमार के खिलाफ वो एक्शन तो क्या, उन्हें बैक टू बैक एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री जी लेड कमिटी क्यों दे रहे हैं उनको बैक टू बैक एक्सटेंशन, जबकि उनके अगेंस्ट करप्शन के इतने चार्जेस हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके खिलाफ और वही है जो काम रोक रहे हैं, और इस तीन जानों की जिम्मेदारी उनके सिर पे है, ऐसे लोग उनके सिर पर कैसे, आप अभी तक मुझे समझा नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये अच्छा मुझे ये बताइए, आपको जब शराब पॉलिसी बनानी थी तब तो कोई बीच में नहीं आया आपके, ये कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और दूसरा सेक्रेटरी कोई नहीं आया, जब शीश महल आपका बन रहा था करोड़ों रुपए जब आप लगा रहे थे तब तो कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं आया बीच में, यही बात तो हर्षवर्धन जी पूछ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक जिसके डकली आप सब जगह बजाते हैं वहां तो किसी सेक्रेटरी ने आपको नहीं रोका, यहां कैसे? ये एमसीडी की जिम्मेदारी लेने से आपको किसने रोक दिया, मुझे ये बताइए। मैं आपको बताता हूँ रूबिका जी, आप थोड़ा फैक्चुअली इनकरेक्ट हो। जब एक्साइज ये पॉलिसी बनी थी तब भी नजीब जंग जब थे एलजी, उन्होंने फाइल वापस किया था, और उसमें करेक्शंस के बाद उसको अप्रूव किया था। ये ऐसे अप्रूव नहीं हो जाता, जैसे कि ना कि ये मत कीजिए आप, नहीं जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में एमसीडी के कमिश्नर जो है, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी जो है, और स्पेसिफिकली जो चीफ सेक्रेटरी है जिनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है सिंह साहब की सरकार के द्वारा, ऐसा है? क्यों दे रहे उनको? आप लोगों का ओवर कॉन्फिडेंट ना आप ही से बया होता है, सच बता रही हूँ, फैक्चुअली आप इनकरेक्ट हैं। नजीब जंग, अरे भाई अनिल बैजल थे उस वक्त, ठीक है, नजीब जंग कब थे? नजीब जंग को आपने गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया, लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया, अरे गजब कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, अंधभक्ति कम कीजिए आकाश जी, आपके लिए और मासूम बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बढ़िया होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहसीन आई एम सॉरी वक्त नहीं है, आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़18 इंडिया।